नमस्कार दोस्त। तो भाई काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होता है, यानी कि अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाना होता है, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड पर उनका पता यानी कि एड्रेस गलत डाला हुआ रहता है और वो लोग अपने एड्रेस को अपडेट करवाना चाहते हैं, सही करवाना चाहते हैं। वहीं पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड पर पिता के नाम की जगह पर पति का नाम डाला हुआ रहता है, या फिर पति के नाम की जगह पर पिता का नाम डाला हुआ रहता है, या फिर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड पर पिता का नाम तो रहता है लेकिन वहां पर पिता के नाम में कुछ लिटल मिस्टेक रहती है, मिस रहता है और पिता का नाम गलत डाला हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में काफी सारे लोग सोचते हैं कि भाई अब ये कैसे ठीक करे, और उसके लिए वो आधार सेंटर जाते हैं और वहीं पर जाकर के सारा करेक्शन करवाते हैं। लेकिन दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन अपने आधार कार्ड पर पिता के नाम की जगह पर पति का नाम, या फिर पिता के नाम में करेक्शन, या फिर अपने एड्रेस के नाम में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, यहाँ पर आपको एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिख जाएगा, आप लोग इस लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर के नाम से एक यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूट्यूब के संबंधित काफी सही और सटीक जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग एक यूट्यूबर हो या फिर एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो प्लीज यहाँ पर आकर के मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहूं। सो प्लीज भाई सपोर्ट मी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्त अगर आप लोग भी घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में एड्रेस या फिर पिता का नाम करेक्शन करवाना चाहते हैं, अपडेट करवाना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोग अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप कीजिए uidai.gov.in। टाइप करने के बाद सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद आपके सामने UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीवीसी आधार कार्ड आप अपने घर तक कैसे मंगा सकते हैं, सारा प्रोसेस मैंने बता रखा है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। अब मान लीजिए आपको आधार कार्ड में एड्रेस या फिर पिता का नाम अपडेट करवाना है तो आप सिंपली नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर आपको अपडेट एड्रेस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए काफी सारे यूजर्स घबरा जाते हैं कि भाई अपडेट एड्रेस का ऑप्शन है कहाँ पर, मुझे तो नहीं मिल रहा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वाकई में अपडेट एड्रेस का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो सेक्शन है वो है गेट आधार का और दूसरा सेक्शन है अपडेट आधार का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अपडेट आधार एट एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर, चेक आधार अपडेट स्टेटस, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा, आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल। अब नीचे आ जाइए, यहां पर देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज ऑनलाइन। अगर आप नेम चेंज करवाना चाहते हैं यानी कि अपडेट करना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर या फिर एड्रेस या फिर आप अपना लैंग्वेज अपडेट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, या फिर देखिए सेंड अपडेट रिक्वेस्ट यानी कि अपडेट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो मुझे अपडेट करना है तो सिंपली मैं प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहां पर आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद यहां पर आपको कैप्चा दिखाई देगा, ये कैप्चा आपको यहां पर डाल देना है, उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके यहां पर लॉग इन कर लेना है। मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखा देता हूं। अब देखिए मैंने यहां पर अपना आधार नंबर और यहां पर कैप्चा मैंने डाल दिया है, आप कैप्चा सही तरीके से डालना, अदरवाइज ये आगे की प्रोसेस नहीं करेगा यानी कि काम ही नहीं करेगा। अब आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर आपको डाल देना है इस वाले बॉक्स में, ठीक है। ये रहा, यहां पर आपको ओटीपी डालना है जो कि 6 डिजिट का आएगा और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट ओटीपी डाल देता हूं। ओटीपी डालने के बाद अब आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा और अपडेट एड्रेस वाय सेकेंड कॉड, यानी कि सीक्रेट कॉड, सॉरी सीक्रेट कॉड है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्त अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन पर सीक्रेट कॉड के जरिए क्लिक करके, यानी कि सीक्रेट कॉड के जरिए आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा, सेकेंड वाले ऑप्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब आपको एड्रेस प्रूफ अगर आपके पास है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आधार डाटा फील्ड टू अपडेट, यानी कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, लैंग्वेज, जेंडर, एड्रेस, ईमेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये सारे ऑप्शन हैं। इन सारे ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन अपडेट करवाना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं। तो अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो आप लैंग्वेज पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही लैंग्वेज पर क्लिक कीजिएगा तो ये तीनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ ईमेल आईडी चेंज करवाना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी करवा सकते हैं, जेंडर चेंज करवाना चाहते हैं तो जेंडर भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे जेंडर आप सिर्फ एक बार ही अब करवा सकते हैं, उसके बाद आप जो जेंडर डाल दीजिएगा दूसरी बार आप जेंडर चेंज नहीं कर सकते। वहीं पर आप नेम अगर अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन तीन बार ही कर सकते हैं, तीन बार के बाद आप चौथा बार यहाँ पर नेम अपना अपडेट नहीं कर सकते। वहीं पर डेट ऑफ बर्थ एक बार ही कर सकते हैं, एक बार के बाद दूसरा बार आप नहीं कर सकते अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज। इसलिए जो भी डालिएगा सोच समझ करके और सही तरीके से डालिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एड्रेस अपडेट करना है और पिता का नाम अपडेट करवाना है, तो आप सिंपली एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यस पर टिक लगा दीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका एड्रेस तो लिखा हुआ रहेगा जो आपके आधार कार्ड पर है, लेकिन अगर आप फिर भी आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर डा डिटेल्स आ चुका है, यहाँ पर आप अपने पिता का नाम डालिए। जैसे ही आप इंग्लिश में पिता का नाम डालिएगा यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर अगर आप पिता की जगह पर पति का नाम डालना चाहते हैं तो आप अपने पति का नाम यहाँ पर इंग्लिश में डालिए और ये ऑटोमेटिक हिंदी में ले लेगा। अगर नहीं आता है तो आप ट्रांसलेट के जरिए यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पापा का नाम डाल देता हूँ, आप जिनका भी नाम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है केयर ऑफ, आप किसके अंतर्गत आते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर डाल देता हूं। नाम डालने के बाद देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और इसे ट्रांसलेटर के जरिए सही कर दीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर नाम सही तरीके से आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको हाउस या बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट डालना है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट, रोड, लेन वो डालना है, उसके बाद यहाँ पर एरिया डालना है, लोकेलिटी, सेक्टर जो भी है आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंडमार्क डालना है, यानी कि आपके घर के आसपास कोई चौक, चौराहा, चौकी या फिर मंदिर, मस्जिद, जो भी है, स्कूल, जो भी है आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है, यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है आप यहाँ पर डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर अब आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट जेंडर, सॉरी सिटी का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके आप सेलेक्ट सिटी कर सकते हैं या फिर विलेज का, गांव का, टाउन का, जो भी है जहां पर भी आप रहते हो आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, आपको पोस्ट ऑफिस चूज कर लेना है कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, वो जब यहाँ पर आप विलेज या टाउन डालिएगा तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, यानी कि अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे जा रहे हैं, सिर्फ इस पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट के जस्ट साइड में जो बटन दिख रही है इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट डाल दीजिए, बैंक स्टेटमेंट है या पासबुक है तो वो भी डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद गवर्नमेंट फोटो, आईडी कार्ड्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके बाद और भी कई सारे ऑप्शन है, नरेगा जॉब कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, और भी कई सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन है। अगर आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि यही मेरे पास अभी अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान रहे कि आप जो स्टेटमेंट यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट की जो साइज होनी चाहिए वो मैक्सिमम साइज 2 MB की ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा सपोर्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना बात आप हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ये सारा कुछ फिलअप करके उसके बाद आगे की प्रोसेस क्लियर कर। तो भाई पूरी तरह से फॉर्म को फिलअप करने के बाद यानी कि एड्रेस डिटेल्स डालने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना प्रूफ डालना है, एड्रेस प्रूफ। तो उसके लिए आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें, पहले आप चूज कर ले कि आप कौन सा एड्रेस प्रूफ देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप एड्रेस प्रूफ देना चाहते हैं उसका आप एक फोटो क्लिक कर ले और उसकी साइज
2 MB की होनी चाहिए। उसके बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपने वो फोटो डाल रखा है उसे आप सिंपली चूज कर लें, सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन पर क्लिक करें या फिर ओके आप कर दें। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर इमेज आ चुका है, जो भी आपने इमेज क्लिक करके रखा हुआ था। उसके बाद अब आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए रॉन्ग फाइल सिलेक्टेड, प्लीज अपलोड ए फाइल विद करेक्ट फॉर्मेट एंड साइज। यानी कि मैंने जो अभी फाइल सिलेक्ट किया है वो रॉन्ग सिलेक्ट हो गया, तो ये बोला जा रहा है कि अब फिर से आप दोबारा सिलेक्ट कीजिए, ये प्रॉब्लम आपके भी साथ हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट किया यानी कि अपलोड किया, तो यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट का इमेज आ चुका है कुछ इस तरीके से। आप इसे चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं या फिर आप इसे रहने दीजिए। उसके बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स दिख जाएगा, जो भी आपने फॉर्म में डिटेल्स भरा था, एड्रेस भरा था। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रीव्यू द डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट, वेरीफाई द डिटेल्स यू हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्यूरेसी। यानी कि इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने डिटेल्स को फिर से दोबारा चेक कर ले, उसके बाद ही सबमिट करें। तो दोस्त आप दोबारा चेक कर लो कि मैंने जो एड्रेस डाला है वो वाकई में सही डाला है या फिर से कोई मिस्टेक हो गई है। जब आप कन्फर्म हो जाते हो कि नहीं मैंने सही डाला है, तो उसके बाद नीचे आ जाइए। वैसे अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत एड्रेस डाल दिया, तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है, ये जो कैप्चा है इसी कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, बिल्कुल सही सही डालना है, अदरवाइज काम ही नहीं करेगा। देखिए कैप्चा डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इनवैलिड कैप्चा है तो आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है और यहाँ पर फिर से दोबारा कैप्चा डाल देना है। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए ये रहा, इसको आपको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है, जो कि 6 डिजिट का होगा। ठीक है, जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक किया होगा उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो मैं ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पर इसके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर लेना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है, चूज ए पेमेंट ऑप्शन, टोटल पेएबल अमाउंट 50 रुपीज। और यहाँ पर देखिए साइड में दो ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। आप जिसके भी जरिए पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर और नेम ऑफ ओन कार्ड, आपके कार्ड पर जो भी नाम है वो नाम डाल करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका एड्रेस जो है आपके आधार कार्ड पर अपडेट कर दिया जाएगा। कभी कभी इन रेयर केसेज हो सकता है 1 सप्ताह भी लग जाए, क्योंकि काफी बार मैंने देखा है कि एड्रेस अपडेट करने में 7 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन 24 से 48 घंटे में भी आपका एड्रेस और पिता का नाम अपडेट, या फिर हो सकता है अभी आपने फॉर्म सबमिट किया और तुरंत के तुरंत आपका जो करेक्शन है वो अपडेट कर दिया गया, तो तुरंत भी हो सकता है, 1 सप्ताह भी लग सकता है और 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एड्रेस और पिता का नाम अपने आधार कार्ड पर चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, सबमिट कर लीजिएगा, तो आपको एक URN नंबर दिया जाएगा, उस URN नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि अभी मेरा अपडेट हुआ है आधार कार्ड पर एड्रेस या नहीं, तो आप सिंपली चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक्स अपडेट स्टेटस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा और यहाँ पर देखिए URN नंबर है, जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है URN नंबर, और वहां पर आपको आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करके डाल देना है, यानी कि ये जो कैप्चा है यहाँ पर डाल देना है और चेक स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके आधार कार्ड का स्टेटस दिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड पर एड्रेस या फिर पिता का नाम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि अभी मेरा आधार कार्ड कहाँ पर है, क्या करेक्शन फिलअप हुआ है, यानी कि करेक्शन वहां पर चेंज हुआ है मेरा एड्रेस या फिर नहीं, सारा कुछ आप यहीं से चेक कर सकते हैं। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो भाई क्या सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलना, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना ताकि थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।